अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना शेफ गुलजार। अब तक तो आपने बहुत सारे दही बड़े खाए होंगे, लेकिन क्रिस्पी फ्राई अजीनोमोटो का जो क्रिस्पी फ्राई है उससे दही बड़े कैसे बन सकते हैं? तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा आलू दही वड़ा। आलू दही वड़ा कैसे बनाया जाएगा, आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं। आधा किलो हमने बॉयल्ड जो है आलू ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाल ली हैं। हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी के करीब, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, और इसके साथ जो है मसाले में 1 चाय का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस काफ़ी है ये। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ नमक बस विजिबल, ये हमने डाल लिया और इसको हमने मिक्स कर लिया। जी नाज़रीन, तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब मैं आपको क्रिस्पी फ्राई का बैटर बनाना सिखाने जा रहा हूँ। ये क्रिस्पी फ्राई का पैकेट है जो आपको मार्केट में 60 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है, बहुत ही सस्ता। लेकिन इसका कमाल ये है कि ये कोई भी चीज़ बनाएगा आपका तो वो क्रिस्पी रहेगा ठंडा होने के बाद भी, चिकन हो, पकौड़ा हो, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं। तो एक पैकेट हमने ये डाल दिया, और इसके साथ 100 ग्राम हमने इसमें बेसन शामिल कर देना है, ठीक है। 100 ग्राम बेसन नमक ऐड कर दें एक चुटकी के करीब, तो 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च ऐड कर दें। इसको तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और इसके बाद इसे पानी से गाढ़ा कर लेना। ऐसा करना है कि ये आप वड़ा जो है इसमें मिक्स हो सके। पानी ऐड कर दिया आपने, चलो इसको आपने अच्छी तरह से व्हिप कर लेना। तो इफ्तार से थोड़ा पहले या 1 घंटे पहले अगर इसको बनाकर फ्रिज में रख दिया जाए तो इससे और ज़्यादा क्रिस्पी आप पकौड़ा तैयार कर सकते हैं। आलू का जो मिक्सचर है उसको डालूंगा और उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। जी नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करना। आलू के बॉल्स बना लिए आपने, उसके बाद इसको आपने फ्राई होने के लिए डाल देना। जी नाज़रीन, तो देखें आप बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर, और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। जी नाज़रीन, तो दही में हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून हमने लेना है चीनी, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून नमक, ये 2 चीज़ें सिर्फ मैं इसमें डाल रहा हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसको हमने स्मूथ दही को फेंट लेना। अब चलते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ। जी, थोड़ा सा दही हम पहले ऐड करेंगे एक बाउल में या किसी ट्रे पर, और उसके बाद वड़ा जो है इसको हमने डाल देना इसमें। इस तरह से हमने इसको वड़ा बिछा दिया। अब इसके ऊपर से हमने जो है बाकी जो दही है वो ऐड कर देंगे। चटनी वगैरह डाल सकते हैं, जैसे ग्रीन चटनी है, ठीक है, और मेरे पास इमली की चटनी है, और इसके साथ चाट मसाला ये ऐड कर सकते हैं। कुछ हरा धनिया वगैरह से गार्निश कर लें, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल लें जो आपको पसंद है उसके हिसाब से तैयार कर लें। ये हमारा आलू दही वड़ा तैयार है। जी नाज़रीन, तो आलू दही वड़ा जो है वो तैयार हो चुका है, और इस वक्त मैं इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ, और क्या बात है, मज़ेदार चाट मसाला है, मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी और मेरे भी आ रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट टेस्ट है, जो क्रिस्प आ रहा है ना, और साथ में दही के साथ, क्या बात है।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बाय बाय। Do you know?